दिल्ली के जोहरीपुर एक्सटेंशन इलाके में एक मकान की पहली मंजिल की छत गिर गई, जिसमें एक महिला समेत 7 लोग घायल हो गए। दिल्ली के जोहरीपुर एक्सटेंशन इलाके से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है, जहां एक मकान गिरने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि अचानक हुई इस घटना में एक महिला समेत 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू करवाया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मकान के पहली मंजिल की छत गिरी थी, जिसमें कुछ लोग दब गए थे। बचाव कार्य के दौरान वहां से 7 लोगों को निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी 2 लोगों के दबे होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि पुलिस की एक टीम सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई है। इसके साथ ही DDMA और दिल्ली दमकल सेवा के अधिकारी भी वहां पहुंचे, जिसके बाद घटना स्थल पर बचाव अभियान शुरू किया। पुलिस ने यह भी बताया कि मलबे से एक महिला समेत 7 लोगों को बचा लिया गया है, जिन्हें GTB अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि कुछ मजदूर घर की मरम्मत में लगे हुए थे, तभी अचानक मकान की पहली मंजिल की छत गिर गई, जिससे वहां मौजूद लोग उसके नीचे दब गए। घटना के बाद वहां आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि फिलहाल कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है। दिल्ली दमकल विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने कहा कि हमें घटना को लेकर दोपहर करीब 12:02 पर एक फोन आया था, जिसके बाद हमने तुरंत दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर भेजी थी, जिसके बाद बचाव कार्य शुरू हुआ है और महिला समेत 7 लोगों को बचाया गया, लेकिन बचाव अभियान अभी भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।